हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। आज हम एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसके 5 पार्ट हैं, आपको सामने दिख रहे होंगे। चलिए एक एक करके इन पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें 3/8 और 2/5 के बीच में एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। ठीक है, अब देखिए, इस ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हमने जितने भी मेथड सीखे हैं अभी तक रैशनल नंबर फाइंड करने के, आपको ऐसा मेथड चूज करना है जो सबसे कम टाइम टेकिंग हो। ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेथड सबसे कम टाइम टेकिंग है? आपको जितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं वो देख के पता चलेगा। जैसे यहाँ पे हमें n इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, मतलब एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना है बिटवीन इतने गिवन नंबर्स में। तो एक रैशनल नंबर जब इंसर्ट करना है तो हम एक मेथड पढ़े थे, जिसे हमने मेथड 1 कहा था, मिडिल टर्म मेथड। उसमें फॉर्मूला यूज करते थे 1/2x+y। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप आसानी से सारे रैशनल नंबर्स के बीच में एक एक रैशनल नंबर इंसर्ट कर पाओगे। ऐसा करने से आपको एवरेज मिलता है दोनों नंबर का, और एवरेज आपको पता है कि दोनों नंबरों के बीच में लाया करता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे करते हैं। 1/2x है हमारा 3/8 + 2/5। सॉल्व करते हैं इसको। 1/2 एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 40। 8 5 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15, +5 8 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16। तो ये हो जाएगा आपका 31/80। ठीक है ना, तो पहले पार्ट के लिए हमारा 31/80 वो रैशनल नंबर है जो दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ये रहा पहला पार्ट। अब सॉल्व करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट जो है उसमें हमें 1.3 एंड 1.4 के बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। ठीक है, फिर हमारा जो फॉर्मूला था 1/2x+y, उसे ध्यान में रखते हैं और इन्हीं में वैल्यू पुट करते हैं तो हमें आंसर अपना मिल जाएगा। x की जगह हम रखेंगे 1.3 और y की जगह 1.4 रखेंगे। सॉल्व करेंगे इसे तो हमें मिल जाएगा 2.7। डिवाइड करने पर हमें मिल जाएगा 1.35, और ये 1.35 ही वो वैल्यू है जो 1.3 और 1.4 के बीच में लाए करती है। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए ये आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट में -1 और 1/2 के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। -1 और 1/2 के बीच में हमें पता है जब किसी नंबर में डिनोमिनेटर नहीं दिया होता है तो हम ऑटोमेटिकली उसमें डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 1/2 × x+y। ठीक है, सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 2 आएगा। 1 2 ज़ा 2, -2 + 2 / 2, 1 1 2 1 1। ठीक है, एलसीएम ले के सॉल्व करना आप सबको आता होगा, वैसे ही हमने सॉल्व किया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आ जाएगा -1/4। ठीक है ना, तो ये वो वैल्यू है जो -1 एंड 1/2 के बीच में लाई करेगी, मतलब कुछ इस तरीके से। ये रहा आपका इस पार्ट के लिए आंसर। ठीक है, आई होप आपको तीनों पार्ट अभी तक समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए चौथा पार्ट सॉल्व करते हैं। जो हमारा चौथा पार्ट है उसमें भी हमें -3/4 और -2/5 के बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। फार्मूला हमको पता है, 1/2x+y। एक रैशनल नंबर इंसर्ट करने के लिए ये फार्मूला है। ठीक है ना, 1/2x - 3/4 और वाई है हमारा -2/5। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे अगर हम, तो -3/4 -2/5 आ जाएगा। अब इसको हम अगर एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ जाएगा 20। 4 5 ज़ा 20 और 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8। ठीक है ना, फिर सॉल्व करते हैं इसको, -23/20। तो ये आ गया आपका निकल के -23/40। यही वो रैशनल नंबर है जो -3/4 और -2/5 के बीच में लाया करेगा, मतलब कुछ इस तरीके से आपको ये वैल्यू दिखाई पड़ेगी। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा पार्ट कर लिया, चौथा पार्ट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने पांचवें पार्ट की तरफ, जिसमें हमें 1/9 और 2/9 के बीच में एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? 1/2x+y। ठीक,
वन अपॉन टू, एक्स की जगह 1/9 प्लस वाई की जगह 2/9, ठीक है। 1/2 आपने एलसीएम लिया, 9 ऊपर आ जाएगा 3, ठीक है। 3 1 3, 3 3 9, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन को, 1/2 × 1/3, ठीक है। तो हो गया आपका 1/6, और ये 1/6 ही वो रैशनल नंबर है जो 1/9 एंड 2/9 के बीच में प्रेजेंट होगा, मतलब 1/9 छोटा है 1/6 से, जो कि छोटा है 2/9 से, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक। तो ऐसे हमने पांचों पार्ट इस क्वेश्चन के सॉल्व कर लिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, एक्सरसाइज 1A का, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि कैसे हमने सॉल्व किया है। हमने बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखा है क्योंकि हमें सिर्फ एक रैशनल नंबर दो रैशनल नंबर के बीच में इंसर्ट करना था। एक से ज्यादा करना होता तो हम अपने दूसरे या तीसरे मेथड से करते, लेकिन एक ही करना था तो हमने ये वाले फॉर्मूले को चूज किया है। आप उन दोनों मेथड जो हमारे बचे हुए हैं उनसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसमें थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसमें कैलकुलेशन कम है, ठीक है ना। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।